आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्त और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है और इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा माता कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्र घंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र की नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से होता है। वहीं देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, श्रद्धालु देवी माता के जयकारे लगा रहे हैं और मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी देखने को मिली है। देश भर में गुरुवार यानी कि आज सुबह से ही ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी और फिर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां बुधवार शाम भारत में ईद के चांद का दीदार हुआ और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी, वहीं आज देश भर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और चांद देखने के बाद ही बुधवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की है कि ये त्यौहार करुणा, एकजुटता और शांति की भावना फैलाए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी ईद उल फितर की सभी देशवासियों को बधाई दी है। देवबंद के ईदगाह मैदान में ईद की नमाज मौलाना अनस सिद्दीकी द्वारा पढ़ाई गई। ईदगाह में नमाज के दौरान हजारों लोगों ने खुदा की दरगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआएं मांगी और ईद के इस त्यौहार में जहां बड़े बुजुर्गों ने नमाज अदा की गई, वहीं छोटे छोटे बच्चे भी रंग बिरंगे कपड़ों में खरीदारी करते हुए नजर आए। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती थी, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो इज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।